कन्नौज दुष्कर्म मामले में बड़ा खुलासा। नवाब सिंह यादव की बढ़ी मुश्किलें। पुलिस के पास आई डीएनए जांच रिपोर्ट। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच। एसपी ने की डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि। डीएनए सैंपल मैच होने से बढ़ी नवाब की मुश्किलें। रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई जाएगी केस की धाराएं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया है। अब इस मामले में नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में 12 अगस्त को पुलिस ने सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। किशोरी अपनी बुआ के साथ देर रात किसी तरह चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची थी। यहां एक कमरे में दोनों ठहरी थी। इस दौरान नवाब सिंह भी वहां मौजूद था। आरोप है कि किशोरी की बुआ बाथरूम चली गई थी, तभी नवाब सिंह ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी बीच किशोरी ने यूपी 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने सपा नेता को महाविद्यालय के उसी कमरे से गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तब पूर्व सपा नेता इनरवेयर में थे। पुलिस ने पूछताछ की और बुआ भतीजी और आरोपी को कोतवाली ले गई। बुआ की तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉस्को की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया। पीड़िता ने कोर्ट में दुष्कर्म का बयान दिया था। मामले में पुलिस को 60 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया। इस मामले में पुलिस ने करीब 70 पन्नों की केस डायरी तैयार की। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूर्ण कर ली है। पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि किशोरी के साथ नवाब सिंह यादव ने दुष्कर्म किया था। पुलिस अब इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर केस की धाराओं को बढ़ा सकती है। अब जल्द ही चार्जशीट बनाकर नवाब सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में भी ये रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत के तौर पर साबित हो सकती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।